श्री हर कृष्ण प्यारे है, जिसे डिठे सब दुख जाए। त्याये, त्याये का मतलब क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री हर कृष्ण ध्याये, ध्याये का भाव है सिमरन, उसकी याद। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु हरकृष्ण साहब जी का सिमरन करेगा, ये जो अखंड जाप रखे हैं, श्री हरकृष्ण त्याये जी डिठे सब दुख जाए, इसके पीछे कारण क्या है? कि जाप कर करके कर करके कर करके मन में बस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखंड जाप चल रहा है, चैनल पर जाएंगे तो 24 घंटे के लिए जाप चला दिया है, लगा के रखो दुकान पे, काम कर रहे हो घर पे, दुख आ ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दरवाजे बंद हो जाएंगे दुखों के। त्याये, क्योंकि एक बार अगर वो बस गया सिमरन में, याद में। ध्याये का मतलब उसका सिमरन, उसकी याद। अगर गुरु हरकृष्ण साहब जी की याद बन गई मन में, बस गए वो, तो फिर उनके दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे डिठे डिठे का भाव उनके दर्शन, सुरते से उनके दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी याद बन जाए, उसका ख्याल भी मन में एक अपने आप एक तस्वीर बन जाती है मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री हरे कृष्ण त्याये, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों बार बार सिमरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं बार बार, कि ये जाप सिमरन बन जाए, याद में बस जाए गुरु हरकृष्ण साहब जी। जब दुख का समय आए, अपने आप मुख से निकले, दुख उसी वक्त भाग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक यूट्यूब पर घटना पड़ी हुई है, एक महापुरुष सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक डॉक्टर मेरे पास उठ के आए, वो कथा कर रहे थे। कथा के बाद डॉक्टर उठ के आया, कहने लगा, पहले अगर मैं ये कथा सुनता आपकी तो मैं नहीं मानता, पर अब मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हो कि जमदूत होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत के ऊपर कथा कर रहे थे कि जमदूत होती है, मरने के बाद कैसे जमदूत लेके जाते हैं। डॉक्टर आके कह रहे हैं, एमडी डॉक्टर है, कहते मेरे पिताजी आईसीयू में भर्ती हो गए। क्योंकि मैं एमडी था, मुझे भी अंदर आने की परमिशन मिल गई, डॉक्टर था मैं भी, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, भैया ये नहीं बचेंगे। और मेरे सामने कहते हैं वो, सारे मशीनों ने इंडिकेशन दे दी कि बीपी एकदम लो हो गया, सब मशीनों ने इंडिकेशन देना बंद कर दिया कि डेथ हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर ठंडा पड़ गया है, सारे वायर्स सब कुछ निकाल लिया गया। वहीं खड़ा मैं रो रहा था कि 15 मिनट के बाद पिताजी को अचानक पसीना आया और वो जोर जोर से सांस लेने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर ने फिर से मशीनें लगा दी, हैरान हुए सब कि ये तो मर गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए। खैर बात आई गई हो गई, काफ़ी समय लगा उन्हें ठीक होने में। ठीक होके जब वो ठीक हो गए नॉर्मल, तो कहने लगा, मैंने अपने पिताजी से पूछा, भाई हमने देखा था मशीनें बंद हो गई, आपकी डेथ हो गई है, आप 15 मिनट पर जीवित हो गए, उन 15 मिनट के भीतर क्या क्या हुआ आपके साथ, आपने क्या महसूस किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी जो है वो कहते हैं जो मैंने देखा कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, आप सब दिखने सुनाई देने बंद हो गए। जिस तरह की जमदूत की बात गुरबानी करती है वो मैंने देखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भयानक चेहरा, लाल सफेद कपड़े पहने हुए, मेरे पीछे भाग रहे हैं जमदूत और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पीटने के लिए भाग रहे हैं। कहते भागते भागते मुझे दिखाई दिया गुरु हरकृष्ण साहब जी का दर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों दिखाई दिया? उसके पीछे वजह है। कहने लगा, मेरा मैंने जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, जो कुछ भी गलत काम होते हैं मैंने सारे के अपने बेटे को सच बता रहे पिता, पर मेरा एक नेम था गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर पे जाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेक के मैं काम पे जाता था, करता सारे गलत काम था। इसे कहते हैं गुरु को मानना पर गुरु की नहीं मानना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरु को माना फिर भी क्या हुआ? माथा टेकने की रोज की उसकी आदत थी गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर पे। जब जमदूत पीछे भाग रहे हैं तो कहने लगा, मुझे वो दर दिखाई दिया, मेरे मुख से निकला, श्री हरकृष्ण त्याये है जिस डिठे सब दुख जाए। ये मैं पढ़ता था वहाँ जाकर, एक बार तो पढ़ता था क्योंकि बाहर लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी बैठ कर कीर्तन नहीं सुना, सत्संग नहीं किया, सिर्फ माथा टेकना और चले जाना। वो दर दिखा, मैं उस दर के भीतर चला गया,
जैसे दर के भीतर गया जमदूत बाहर रुक गए और ज़ोर से दरवाजे बंद हो गए। जब जोर से दरवाजे बंद हुए तो मेरी आँख खुल गई, मेरी सांस आ गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे अब मैं ठीक होने के बाद केवल नेक काम करूँगा। मुझे एक मौका दे दिया गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, क्योंकि उस दर पे मैं रोज़ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख का समय आया, याद आ गया गुरु हरकृष्ण साहब जी की, उन्होंने बाह पकड़ ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मौका दे दिया उसे, जीवन संभाल ले, नित्यनेम कर ले, सिमरन कर ले, गुरु की मान ले, अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नेम इंसान को कैसे बचा देता है, सिर्फ माथा टेकने जाता है। नित्यनेम की ताकत देखो, सिर्फ माथा टेकने जाता है रोज तो भी बच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बैठ कर जो सिमरन करते हैं, जो नाम जपते हैं रोज, उन्हें तो लेने देवता आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जमदूत हाथ बांध कर खड़े रहते हैं, जो नेमी होते हैं पक्के, आज्ञा के बिना आ नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नेम पक्का करो अपना, नित्य नेम पक्का करो। जब भी मुश्किल आएगी हमारे मुख से क्या निकलेगा, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें आदत पड़ चुकी है, मुख से निकलेगा धन गुरु नानक, गुरु नानक वहाँ पकड़ लेंगे, कोई तकलीफ नहीं आ सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।